तो देवर जी कह रहे हैं फर्स्ट बार आ रहा हूँ बल्बे ब्लॉक में, तो सच में देख लिया होगा आपने, सरदार देवर जी है हमारे। कैसे नहीं खुल रहा है वे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। क्या कह दे तो दोस्तों अब सिल लेती हूँ पहले कपड़े। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज ब्लॉगिंग की स्टार्ट मैं कर रहा हूँ क्योंकि आज भाभी जी काम पर बिजी है। देखिए चला, देखिए काम कर रहे हैं। और यहाँ से हमने ये सामान बाहर निकाल दिए, ये सारे टेबल कुर्सी मशीन बिस्तरे। तो दोस्तों आज तो ब्लॉगिंग की स्टार मतलब देवर जी ने की और मैं, क्योंकि बहुत बिजी हूँ। और मतलब कि जब से हम डांडा गए हैं, डांडा से घर भी आ गए हैं और यहाँ पोचा नहीं लगाया था और आज मैं हो काम कर रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सामान है, इसलिए मैंने सामान अभी हाल फिर बाहर डाल दिया है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सुबह सुबह ये काम भी कर लूँ। और वैसे मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है, सोचा ये काम निपटाने के बाद करूँगी नाश्ता नुश्ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है मुझे अभी। मैंने आज कपड़े भी सिलने हैं। तो दोस्तों अभी मैंने दोनों कमरे की सफाई तो कर ली है और सामान देखो कैसे फैला रखा है मैंने बाहर में। और मतलब मैं ये कपड़े निकाले हैं, खोल वगैरह निकाली है धोने के लिए। तो चलो मैं इन्हें मतलब भिगाने डाल देती हूँ और नाश्ता करती हूँ तब तक, और उसके बाद मिलती दोस्तों आप लोगों। काम करते करते ना टाइम भी दोपहर के 2:30 बज गए हैं और कसम से अभी मैंने नहाना भी है। मतलब काम करते करते ना कुछ टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब कितना टाइम हो गया है। तो अभी मैंने नहाना भी है और अभी तक किया है मैंने कपड़े धुले हैं और चौकी लिपाई की है, मतलब बहुत सारा काम किया है। तो अब नहाते हैं। तो देखिए ये कपड़े धुले हैं अभी तक और चौकी लिपाई की है अच्छे से, अब नहाती हूँ। तो देखे मेरी ननन इसमें प्राइमर कर रही है, प्राइमर देखो बड़ा ही खुशबू दे रहा, खुशबू दे रहा बड़ा ही। तो अभी मतलब टाइम दोपहर के 2:30 बज गए हैं और अभी मैंने ये सामान भी रखना है अंदर और कपड़े कुपड़े भी ऐसे रख रखे हैं मैंने, फैला रखे है मतलब। और यहाँ पे देखो आ रहा, देखिए ना सारी की सारी लहसुन यहाँ फेंक दी है, अभी इसे भी इकट्ठा करूँगी और पहले इससे पहले मैं नहाती हूँ। तो आज का मौसम देखो बड़ा ही खूबसूरत सुहावना हो रखा है, चारों ओर धूप खिली है और यहाँ पे है संतरा चोर, तो देवर जी हमारे संतरा चोरी कर रहे हैं। तो हमारा संतरा का पेड़ भी माल्टा का पेड़ मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है आजकल धूप में, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो दोस्तों चलो पहले नहा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। तो चलो नहाने, अभी खाना पीना कुछ नहीं खाए, मतलब पहले नहाती हूँ और उसके बाद कपड़े धुलूँगी। अभी मैंने कपड़े धुले और उसके बाद भी कपड़े धुलूँगी नहाने के बाद, और उसके बाद होगा खाना पीना और उसके बाद बैठूंगी सीधा सिलाई पर। और मतलब कि काम बहुत है मेरे पास आज और कल, मतलब इतना भयंकर काम है। तो दोस्तों ठीक है मिलती हूँ बाद में। तो दोस्तों खा लिया है मैंने खाना पीना भी और ना भी गई हूँ, और अब करती हूँ मैं सिलाई का काम, मतलब जो अब बाकी है करने के लिए, तो इसे भी कर लेती हूँ फटाफट। तो दोस्तों अब सिल लेती हूँ पहले कपड़े भी, और ये सूट है, किसका है ये सूट मेरे को बता सकता है कोई किसका है? तो ये है मेरी ननंद का सूट बड़ी वाली का, तो सोचा इसे देवर जी की शादी के लिए सिलना है वाल, तो मैंने सोचा कि आज ही सिल लूँ टाइम निकाल के, है ना। वैसे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन 1-1.5 घंटे का काम है ये, तो कोई नहीं निपटा दूंगी इसे भी 1-1.5 घंटे में, अगर कुछ काम ना आ जाए, अगर आराध्या नहीं रोएगी तब तक तो निपटा ही लूँगी, है ना देवा जी। सिल के रेडी है मतलब सूट भी, तो दिखाती हूँ आप लोगों को।
देखिए सिल के रेडी है मेरा सूट भी, और सूट कुछ इस तरह से है, और एक बाजू यहाँ से निकला है बाहर और एक वहाँ से, तो ये है सूट। मशीन भी अंदर रख लेती हूँ और बाल भी बना लेती हूँ, और उसके बाद मिलती हूँ दोस्त आप लोगों को। और नीचे से हंस रही है, कांची भी हंस रही मेरे को देखे। तो मतलब अभी बर्तन मांज रहे हैं क्योंकि अभी आए स्कूल से और खाना खाए और बर्तन। तो दोस्तों टाइम भी शाम के 4 बज गए हैं, और अब जा रहे हैं हम देवर जी की क्या कहते हैं उसे ब्योमा। तो दोस्तों चलते हैं अब सामान लेने, क्योंकि आ रहा है देवरानी जी का फर्नीचर, और तो चलो देवर जी भी आ रहे हैं पीछे से, तो चलो फर्नीचर मतलब सामान लेकर आते हैं हम, और देखते हैं सामान में क्या क्या सामान है, तो लेके आते हैं। और देवर जी पीछे से चुपके चुपके टेबल लेके आए और सोफे लेके आए मेरे दोनों ननन, और देवर जी देव को आराम से बैठ गए सोफे पे, और मतलब देवर जी और ससुर जी लेके आ रहे देव। तो कुछ सामान लेके चले गए हम, और अब ये अलमार बची है और एक सोफा बचा है, तो चलो इनको भी लेके चलते हैं, और मेरी ननद भी आ रखी है यहाँ पर, तो चलो मिलते हैं आपको फिर। अभी गाड़ी वाले चाय पीने जा रखे हो। तो दोस्तों लगा दिया है हमने सेटलमेंट भी, और अब ना देवर जी देखो अपनी भाभी की अलमार खोलने लग गए हैं। किलो है ना तो देवर जी से ना मतलब लोका नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, कैसे नहीं खुल रहा है, वह ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों खुल गया है, और मतलब देवर जी पहली बार आ रहे हैं आज ब्लॉग में, और देवर जी कभी आते नहीं है, मतलब कहते हैं मुझे मत निकालो मत निकालो। तो आज आज तक तो देख लिया होगा आपने, सरदार देवर जी है हमारे, बड़ी 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 मूंछेदार है, और लच्छी ननंद को तो आप जानते हो। तो चलते हैं आप तो चलते हैं आप घर, और ये सामान भी तो लगा रहे देवरानी जी का, और देवरानी जी से भी मिलाएंगे आप लोगों को। तो अब चलती हूँ घर, और आरा देवी सो रखी है, अब उठने वाली है, साई से उठेगी, तो चलो चलते हैं। खा लिया हमने खाना पीना भी, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि रात के 9 बज गए हैं। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं अनिता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय।